नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूँ फिर से आज आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस फरवरी मंथ में हमें झोली भर भर के बहुत सारा मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने को मिले और अब जा रही है फरवरी वापस और मार्च ने दी है दस्तक और मार्च पूरी तरह से तैयार है नए नए धमाके करने के लिए, वो चाहे सिनेमा घर हो या फिर हो OTT प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें मार्च के फर्स्ट वीक में कौन कौन सी मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने को मिलने वाली हैं और ये कब और कहां पर देखने को मिलेंगी, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस मार्च महीने का धमाका शुरू होगा OTT रिलीज़ के साथ में। जी हां दोस्तों, 1 मार्च को वेनम 2 को रिलीज़ किया जा रहा है नेटफ्लिक्स पर और वेनम 2 को हिंदी भाषा में भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है द गार्डन ऑफ जस्टिस और इस सीरीज को हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, 1 मार्च के बाद बारी आती है 4 मार्च की। तो 4 मार्च को सिनेमा के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने जा रहा है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं सिनेमा में रिलीज हो रही मूवीज के बारे में। तो दोस्तों, 4 तारीख को पहली मूवी रिलीज हो रही है अमिताभ बच्चन सर की जिसका नाम है झुंड, और दूसरी मूवी रिलीज हो रही है DC की द बैटमैन और इस बैटमैन को हिंदी डब के साथ रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात करें 4 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें 4 वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जिसमें से पहली वेब सीरीज है सोनी लिव पर रिलीज हो रही अनदेखी का सीजन 2। दोस्तों, इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को दर्शकों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था और इसका सीजन 2 का इंतजार काफी लंबे समय से दर्शक कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ में दूसरा जो है शो रिलीज होने जा रहा है 4 मार्च को जिसका नाम है रुद्रा। ये अजय देवगन सर की फर्स्ट वेब सीरीज डेब्यू सीरीज है जो हमें देखने को मिलेगी Disney+ Hotstar पर। दोस्तों, 4 मार्च को लॉयंस गेट की दूसरी इंडियन वेब सीरीज भी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है जुगाड़िस्तान और ये हमको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, 4 मार्च को ही मैक्स प्लेयर पर हमें एक और वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है वंडरलस्ट। और दोस्तों, 4 मार्च को ही जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी नो टाइम टू डाई को फाइनली OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को आप हिंदी में भी देख सकेंगे। 4 मार्च के बाद बात करें 6 मार्च की, तो दोस्तों 6 मार्च को हमें साउथ की हिंदी डब रीमेक मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है गोंडल कोंडा गणेश। यह दोस्तों, ये मूवी हमें ढिंचक टीवी पर रात को 8 बजे देखने को मिलेगी और मैं यही बता दूं कि ये मूवी रीमेक है जिगर ठंडा का और ये जिगर ठंडा मूवी वही है जिसके ऊपर बॉलीवुड में भी एक रीमेक मूवी बन रही है जिसमें मेन लीड रोल में है अक्षय कुमार सर और उस मूवी का नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों, आप बात करें मार्च के फर्स्ट वीक की लास्ट रिलीज के बारे में। दोस्तों, लास्ट जो रिलीज है वो काफी ज्यादा दमदार सीरीज है जो 9 मार्च को रिलीज होने जा रही है नेटफ्लिक्स पर और उसका नाम है द लास्ट किंगडम और इस सीरीज का ये सीजन 5 है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा और मैं ये भी बता दूं कि ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास मूवीज और वेब सीरीज जो हमें मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज हो रही इन मूवीज और वेब सीरीज में आपको किस मूवी और वेब सीरीज का सबसे ज्यादा वेट था कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा वेट था अनदेखी के सीजन 2 का और द लास्ट किंगडम के सीजन 5 का। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।